हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम बैक टू द चैनल सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट एंड काफ़ी टाइम बाद मैं अगेन वीडियो डाल रहा हूँ सो बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था इन कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द एडमिशन प्रोसेस एंड यू नो मेकिंग शोर कि सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सेटल हो गए हैं फोर सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैच तो आई माई सेल्फ वॉज इन रशिया एंड देश वाई आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़ रेगुलरली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो जिसने अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिए ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दे दिए थे नीट का रिजल्ट भी आ गया था एंड इफ़ यू वो समन की जो कंसिडर कर रहा था मे बी इंडिया में हो जाएगा या वेट कर रहा था कि इंडिया में हो जाएगा एंड देन फाइनली यू नो यू वेटेड लॉट एंड आपके पास जो भी अच्छे ऑप्शन थे uh, अब्रोड की कंट्रीज में स्पेशली इन रशिया वो सारे क्लोज हो गए थे बाइट दैट टाइम एंड इफ यू आर थिंकिंग और इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर और इफ़ यू आर कंसीडरिंग कि मैं एक साल और नहीं लूज करना चाहता हूँ सो दिस वीडियो इज मोस्टली फॉर यू गाइस एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेजर यूनिवर्सिटीज़ और ऑप्शन डेट यू कैन ऑप्ट फॉर एंड क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा इच एंड एवरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर वीडियोज़ आई एम गोइंग टू मेक डिटेल्डियोज अबाउट इंडिविजुअल कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज़ जो भी मैं इस वीडियो में जिनके बारे में बात करूँगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टू डे इस वीडियो सो बेसिकली आपका विंटर इनटेक फॉर एम बी बी एस अब्रोड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शनस होते हैं विंटर इन में बिकॉज आपकी जो मेजर कंट्री है जैसे कि रशिया उसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी विंटर इनटेक नहीं लेती है एक्सेप्ट जस्ट वन यूनिवर्सिटी एंड दैट इज़ योर कोर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड उसके अलावा आपके पास कजाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक का ऑप्शन है एंड उजबेकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक का ऑप्शन है तो वन बाई वन आई एल गिव यू वन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ ऑल ऑफ़ दिस सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या आपका बजट रहेगा एंड ऑल ऑफ दैट सो सबसे पहले कुर्स के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं तो कोर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया एंड द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज इज़ की जो ये यूनिवर्सिटी है इट इज़ इन फैक्ट वन ऑफ़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया जिसने कि आपका कंप्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट किया था फॉर फॉरन स्टूडेंट्स तो मोर देन ट्वेंटी ईयर्स का एक्सपीरियंस है उस यूनिवर्सिटी को फोर स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में टीच करने का अब अगर हम बजट की बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो बजट जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव एंड पे आता है एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन इन रशिया जो कि आपको सेप्टेम्बर इनटेक में मिल जाते हैं सो so, टोटल जो बजट है को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड थर्टी टू थर्टी वन लैक्स फॉर योर एंटायर सिक्स ईयर दिस विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस योर हॉस्टल फीस मेडिकल इंश्योरेंस और जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव तो चार्जेस होते हैं वो सब मिल आपका अराउंड थर्टी वन लेक्स तक में सब कुछ हो जाएगा फॉर योर एंट एच सिक्स ईयर्सिंग अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो ट्यूशन फीस जो है वो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू एस डॉलर है एंड हॉस्टल फीस जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड यू एस डॉलर है एंड अफकोर्स अदर एक्सपेंसिस भी होंगे तो टोटल मिला के फर्स्ट ईयर में इट इज़ गोइंग टू भी स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू योर सेकेंड टू सिक्स ईयर तो अगर आपको डिटेल फीसचर वगैरह जानना है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माई टीम जितने भी डिटेल्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ इन फैक्ट आपको मैं बताऊँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर द नेक्स्ट सेशन बेसिकली नॉट द विंटर जो आपका सेप्टेम्बर इंटेक होता है ऑफिशियली उसके लिए भी एप्लीकेशनस एडवांस में जाती हैं तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो आपका फ़िफ्टी परसेंट मार्क्स ही है फिफ़्टी परसेंट इन पी सी भी है एंड आपका नीट क्वालिफाई करना मैंडेट्री है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो कि बेसिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं अनफॉर्चुनेटली अभी भी, भी। बट देर इज़ गोइंग टू बंट्रेंस एग्जाम वो बहुत बेसिक होता है लेकिन एंड ऑफ कोर्स एडिपेरिटी टीम इज गंग टू हेल्प यू इन ऑल ऑफ़ दैट इसके अलावा अगर हम बात करें जो एडमिशन प्रोसेस है तो एडमिशन प्रोसेस इज़ क्वाइट सिम्पल यू नीड टू हैव योर मार्कशीट्स योर नीड स्कोर कार्ड एंड आपके पास अगर आपका पासपोर्ट है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली राइट नाउ एंड उसके बाद यू विल गेट एडमिशन लेटर फ्राम द यूनिवर्सिटी उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वो कुछ फीस पेमेंट करना होता है दैन यू विल गेट इन्विटेशन लेटर फ्राम द यूनिवर्सिटी

तो यू स्टार्ट योर ईयर इन सेप्टेम्बर एंड आपका जो डिग्री मिलती है आपको लास्ट ईयर में सिक्स ईयर में बेसिकली वो आपको सिक्स जून जुलाई के अराउंड मिलती है सो बेसिकली इन विंटर सेशन वट कि आप जनवरी या जनवरी में आपका सेशन स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स इन जनवरी ओनली तो आपका आप जैन टू तो जैन चलता है सारा सब कुछ एंड द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ गेटिंग एडमिशन इन विंटर सेशन इज कि आपका जो बेसिकली जो लाइसेंसिंग uh, एग्जाम्स होते हैं जो अभी तक एफ एम जी होता रहा है और जो आने वाले टाइम में एन एक्सटी होगा वो आपका बेसिकली uh, जून जुलाई के अराउंड होता है और फिर दिसंबर में होता है तो दो स्टूडेंट्स हो जो सेप्टेम्बर इनटेक में जाते हैं उनको जि डिग्री ही जून जुलाई के राउंड मिलती है तो वो दे ही नहीं पाते हैं फर्स्ट वाला जो अटैम्प्ट होता है बेसिकली तो फॉर द स्टूडेंट्स वॉर टेकिंग एडमिशन इन विंटर सेशन और विंटर इनटेक आपके पास यू विल गेट इनअ टाइम आपको डिग्री भी मिल जाएगी आप यहाँ भी आ जाओगे इवन स्टार्ट योर प्रिपरेशन और सब जो बिल्कुल फुल फोकस प्रिपरेशन होती है कुछ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा अभी भी है लोट ऑफ अदर ऑप्शन तो उनके बारे में भी मैं अभी आगे बात करूँगा Uh, but I hope you got a good idea about the Kush State Medical University and if you want me to make a detailed video about kush Medical University then just let me know in the comment section and uh, I can maybe make a detailed video about the university as well. तो मूविंग ऑन अपने पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कजाकिस्तान में कज़ाप मेडिकल एकेडमी तो कज़ाब मेडिकल एकेडमी जो है इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि आपका वो वहाँ की कैपिटल में अलमाटी में है ऑल द वो कैपिटल नहीं रहा तो लेकिन इट इज़ अ मेजर सिटी बेसिकली तो इन टर्म्स ऑफ बजट रेंज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ सेम ही है इनफैक्ट एडमिशन प्रोसेस भी सेम है अट आइल गिव यू एन आइडिया तो अराउंड आपका ट्वेंटी फोर लैख देंगे इसके मैं थिंक क्योंकि जो वहाँ की करेंसी होते में तो वहाँ पे ट्वेंटी फोर लैख्स के अराउंड आपका जो ट्यूशन uh, फीस है वो बनता है देन योर होस्टल फीस इज़ अराउंड सेवन हंड्रेड यूर डॉल मेडिकल एंड इंश्योरेंस इज हंड्रेड इज एक्सटेंशन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस टू हंड्रेडर्स एंड उसके बाद फिर आप ऑफकोर्स एडिशनल जो एक्सपेंसिज होंगे और जो कंसल्टेंसी फ़ीस होगी वो सब तो होगा ही तो टोटल जो बजट है वो आपका कज़ाब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अराउंड थर्टी टू लैक्स के अराउंड पड़ता है इन इंडियन रुपीस आपका टोटल सिक्स इयर्स का एंड ऑफ कोर्स कजाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे ऑल्सो फुलफिल द एन क्राइटेरिया जो आपके मेन फोर पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल करता है जो कोर्स ड्यूरेशन है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है एंड ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स रशिया भी करता है मैंने उसी रशिया में कोर्स के टाइम पे ये बात इसलिए नहीं बोली कि Because it is obvious अब तब तो think if you are doing some research तो you will get to know this की जो total duration है जो basically एन एम सी की गाइडलाइंस है वो सब सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो कोई ऐसी issue नहीं है एंड ऑफकोर्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश है ही इसके अलावा जो एक advantage है कजाक national university का या फिर आप कह सकते हो कजाकिस्तान का वो ये है कि यू हैव वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स तो बेसिकली दिल्ली से इट इज़ अराउंड थ्री एंड हाफ आवर्स थ्री थ्री एंड हाफ आवर्स ही हैज ए फ्लाइट एंड इट इज़ लिटल बिट चीपर एज़ वेल तो रशिया की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू कजाकिस्तान एक्सपेंसिव होती हैं तो so, आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते रहते हैं कि वी वॉन्ट अनिवर्सिटी और वी वॉन्ट ऑप्शन जो कि क्लोज हो इंडिया से तो ऑफकोर्स कजाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज ऑप्शन फ़ॉर यू इसके अलावा देर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो इन कजाकिस्तान जैसे अस्ताना मेडिकल यूनीवर्सिटी है या अफराबी कज़ाक यूनिवर्सिटी है एंड जो फीस जैसा uh, है इट इज रेंजेज़ फ्राम थर्टी टू थर्टी टू लैक्स इसी रेंज में रहता है for most of the universities in kazakhstan and yeah if you want to get a detailed breakdown uh, fee structure of all of these universities or any of these universities basically so you can get in touch with my team all the details are in the description box you can find the contact details and everything so yeah moving on to uh, our last option that is uzbekistan तो उजबेकिस्तान के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनका बजट ट्वेंटी लैक्स के अराउंड जाता है एंड देर आर अ फ्यू ऑप्शन अंदीजान का जो बजट है वो अराउंड ट्वेंटी है uh, फरगाना का अराउंड ट्वेंटी थ्री लैक्स है एंड ताजकेंद का भी आपका अराउंड ट्वेंटी थ्री लैक्स है फॉर द एंटायर सिक्स ईयर बजट तो टोटल सिक्स ईयर्स बजट इन दिस विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस मेडिकल इंश्योरेंस एक्सटेंशन और भी जो एक्सपेंसिव है वो सब इंक्लूड होगा ऑफकोर्स लिविंग एक्सपेंसिज अलग हैं

लेट से इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टड प्रिपेरिंग एंड आपको लग रहा है कि सफिशेंट नहीं हो रहा है एंड इफ़ योर फीलिंग की हो सकता है नहीं हो पाएगा ऑफकोर्स आई एम नॉट ट्राइंग टू डी मोटिवेट एनी वन बट इफ़ इट इज़ योर सेकेंड और थर्ड ड्रॉप तो माई सजेशन हैज़ ऑलवेज बीन की आफ्टर द योर सेकेंड ड्रॉप यू शूड कंसिडर स्टडिंग एम बी बी एस अब्रोड सेकेंड शुड बी योर लास्ट ड्रॉप बेसिकली या तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट मिल जाए या फिर आप कुछ और स्ट्रीम चूज कर लो अगर एम बी बी एस नहीं करना है तो और अगर एम बी बी एस ही करना एंड देन एम बी बी एस अब्रोड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग सो थैंक्स अ लोट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो इन डिटेल वट इज़ एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इन एम बी बी एस अब्रोड तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइंड और यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइंड जिसमें मैंने सारी कंट्रीज़ का कंपेरिजन किया बेसिकली सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन